हर माएँ अपने बच्चों को बोतल्स में दूध पिलाती हैं, लेकिन जब दूध ख़त्म हो जाता है तो बोतल धोने का तरीका उन्हें मालूम नहीं होता। वो अजीबोगरीब तरह से बोतल्स को साफ कर देती हैं। पर क्या वाकई बोतल ऐसे में साफ होती है? नहीं, बोतल्स ऐसे साफ नहीं होते, ऐसे में उनमें कई कीटाणु अब भी उपलब्ध होंगे। इसलिए आज हम लेकर आए हैं आप सभी माओं के लिए बेहद ही आसान टिप्स, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे की दूध के बोतल्स को अच्छे से वॉश कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी कीटाणु उपलब्ध ना हो, बच्चा हमेशा सेहतमंद रहे। तो चलिए जानते हैं आखिर ये टिप्स है क्या। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में कई महिलाएं अपने काम की वजह से बच्चों को फॉर्मूला मिल्क पिलाने के लिए निप्पल वाली बोतलों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इन बोतलों की साफ सफाई विशेष ध्यान ना रखने पर बच्चों के सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सही तरीके से सफाई ना करने पर बोतलों में बैक्टीरिया और कीटाणु पैदा हो सकते हैं, जिससे बच्चे को बुखार, डायरिया और पेट की अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे की दूध की बोतल साफ करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। साबुन के पानी से धोएं। बच्चे की दूध की बोतल को हमेशा दूध पिलाने के तुरंत बाद साबुन और गर्म पानी से धोएं। इससे बोतल पर जमे हुए दूध के अवशेष पूरी तरह से हट जाते हैं। इसके अलावा बोतल के ढक्कन और निप्पल को भी हर बार धोना ज़रूरी है। ऐसा करने से बोतल के सभी हिस्से साफ़ हो जाते हैं और आपको हर बार एक स्वच्छ बोतल मिलती है। ब्रश का इस्तेमाल करें। बोतल के किनारों और दरारों में जमा गंदगी को सही तरीके से साफ करने के लिए एक खास रूप से बच्चों की दूध की बोतल के लिए डिज़ाइन किए गए ब्रश उपलब्ध हैं। ये ब्रश बोतल के सभी कोनों और दरारों तक पहुंचकर गंदगी को अच्छे से निकालता है। आप सिलिकॉन या प्लास्टिक ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बोतल को नुकसान पहुंचाए बिना प्रभावी ढंग से सफाई करती है। गर्म पानी में भिगोएं। अगर दूध की बोतल पर जमे अवशेष साबुन और ब्रश से पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहे हैं तो बोतल को गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगोएं। गर्म पानी में भिगोने से गंदगी और दूध के अवशेष फूल जाते हैं, जिन्हें ब्रश से आसानी से साफ किया जा सकता है। खुली हवा में सुखाएं। धोने के बाद बोतल को स्टरलाइज करना ज़रूरी है। बोतल को खुली हवा में सुखाने से यह बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन से बचती है। गीली बोतल में दूध पिलाने से बैक्टीरियाज के पनपने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पानी में 2 से 4 मिनट तक उबाल सकती हैं। इससे बोतल की पूरी सफाई हो जाती है और बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। तो इन सारी टिप्स को आजमा कर आप अपने बच्चे को एक अच्छा सेहत प्रदान कर सकती हैं।